बहुत भूख लग रही है। लगेगी क्यों नहीं, सुबह से तो कुछ खाया नहीं है, और जब रात को कुछ खाने लगे थे तो अम्मा ने प्लेट नीचे फेंक कर तमाशा कर दिया, तब भी कुछ नहीं खा पाए, अब क्या करें? भूख लगी है ना, ये फल खा लीजिए। नहीं नहीं रीजी, हम कुछ नहीं खाएंगे। हमारी परीक्षा मत लीजिए और इस टुकड़े को हमसे दूर कर दीजिए। वैसे हमें इतनी जोरों से भूख लग रही है और आप इतने प्यार से मेहनत कर रही हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप अपनी अम्मा से बहुत डरते हैं, और जो डरता है वो प्यार कैसे कर सकता है। तेरी ये हिम्मत कि छलन के आदेश का उल्लंघन करे, एक लौंडिया के फैला एक चाल में आए। अम्मा, नहीं अम्मा, हमें माफ कर दो, हमें घर से मत निकाल दो अम्मा। नहीं नहीं रिजी, हम ये नहीं खाएंगे, हम अम्मा के खिलाफ नहीं जा सकते। कच्ची गोलियां नहीं खेलती चलन, कर लो कोशिश, चीन का दिखाओ हमारा बेटा। हेलो भाभी रीत, कल आपको हमारा एक काम करना है। बोलो। सुबह की चाय बनी क्यों नहीं आज? फिर रसोई घर में ताला किसने लगाया? हमने लगाया ताला। आज घर में कुछ नहीं बनेगा और ना ही कुछ बाहर से आएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा। जब बात हम दोनों के बीच हुई तो उसकी सजा सबके भुगते। बड़ी फिक्र होने लगी हमारे घर वालों की, गिरगिट की तरह रंग ना बदलो। हम दिल से कह रहे हैं झल्लन चाची, सबको सजा मत दीजिए। नहीं देंगे, पर तुझे हमारे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। अगर हम गलती करते तो बिना किसी के कहे माफी मांग लेते, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती हमें अपने पैरों में गिराना चाहे तो हम नहीं गिरेंगे। हमारा क्या होगा? आप छल्लन चाची के सामने ही एक से बढ़कर एक पकवान खाएंगे। नमस्ते संधन जी। इतने बड़े बड़े थाल का ले आई साथ में? हमारे घर की रस्म है, हम लोग दशहरे के बाद बेटी और दामाद के घर जाकर उन्हें खाना खिलाते हैं। ऐसी कोई रस्म नहीं होती, हम नहीं मानते ये रस्म। छल्लन चाची, रस्म तो सिंदूर धुलाने की भी नहीं होती, पर आपने रखवाई और हमने की, क्योंकि रस्म अपना विश्वास होती है। जब हमने आपका विश्वास रखा तो आपको हमारा विश्वास रखना होगा।